और अभी आपको बताएं कि दो भारतीय तैयारों की तबाही और पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी की याद ताज़ा करने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम, 27 फरवरी को पहला सरप्राइज डे बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के लिए शर्मिंदगी और नदामत का दिन मना दिया। इस रोज मोदी को अपनी फौजी बर्तरी के घमंड में फजाई जारियत इंतहाई महंगी पड़ी और पाक फजाइया के बहादुर सपूतों ने नापाक अजाइम लेकर पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होने वाले दो भारतीय तैयारों को न सिर्फ तबाह किया बल्कि भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करके भारत को पैगाम दिया कि पाक फजाइया समेत पाकिस्तान की पाक अफवाज हर किस्म के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हुकूमत ने 27 फरवरी को पहला सरप्राइज डे मनाने का फैसला किया है। इस रोज ऑपरेशन के हीरो पायलट हसन सिद्दीकी, विंग कमांडर नवान अली खान और पाक फिजाइया को खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। पाक फौज के जवानों ने न सिर्फ भारतीय पायलट अभिनंदन के बिफरे शहरियों के हाथों जान बचाई बल्कि इसकी ऐसी मेजबानी की कि दुश्मन भी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ किए बगैर ना रह सका। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। अगले ही रोज पाकिस्तान ने अपनी रिवायती सकाफती तहजीब को बरकरार रखते हुए गिरफ्तार अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले करके दुनिया को अमन का पैगाम भी दिया।